जब मुझे पता लगा कि आपके साथ मेरा लाइफ है तो पहली चीज मैंने करी कि मैंने यूट्यूब पे गई मैं और मैंने आपका नाम टाइप किया। और जब मैंने आपका नाम टाइप किया तो वो मुझे सारे आपके प्लेज आए जो आपने एनएसटी में किए हैं, आपका चैनल जो है मेरा, तो उन वो मैंने सारे प्लेज देखे और फिर वो तो मैं स्टार स्ट्रक हो ही गई। वो तो मैं बिल्कुल ऐसे हो गई बिकॉज वो जो मोनोलॉग्स थे वो लाइक अमेजिंग। पर मेरे दिमाग में उस चीज से ये आया कि एक एनएसटी का सेट क्राइटेरिया नहीं है एंटर होने का, मतलब जैसे कि कितने प्लेस होने चाहिए और आपको लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए, थिएटर की, ये तो बहुत बेसिक हो गया, ये तो बहुत बेसिक चीज है। बट एक होता है कि जब आप, और ये लोग काफी लोग कर भी लेते हैं, ये काफी लोग इतने प्लेस भी कर लेते हैं, इतने वो भी कर लेते हैं, बट उनका फिर भी नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका फिर भी नहीं हुआ। तो एक काइंड ऑफ दिमाग में आता है कि एनएसटी का क्राइटेरिया है तो है क्या, वो एक एक्टर में क्या क्या देखना चाहते हैं। जब मैं 2015 में एग्जाम देने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ उस दौरान, तो मुझे बार बार एक ही चीज फील हो रही थी कि हमारे पीछे एक नंबर लगाया हुआ था, सब बच्चों को एक एक नंबर दिया गया था और किसी का कुछ नाम नहीं लिखा था। तो हम लोग एक्टिवली जो भी हमको बोलते हैं ना, फर्स्ट लेवल से लेके थर्ड लेवल तक जितना भी हमने किया उसमें कुछ भी दे दिया जाता था टास्क और हम लोग करने निकल जाते थे और सभी लोग हमको देखते रहते थे और हमको मार्क मतलब मार्किंग देते रहते थे कि अरे यार ये बच्चा कैसा है, वो बच्चा कैसा है। तो मुझे एक पॉइंट समझ में आया कि 3 साल बहुत होते हैं और 3 साल का कोर्स है पूरा और कई मेरे पहचान के लोग हैं या मेरे साथ मेरे को एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने भोपाल में थिएटर किया है, उन लोगों का भी कई बार बहुत अटेम्प्ट के बाद हुआ है। तो मुझे पहले तो वो बात ही ऐसी हो गई कि मैंने कभी एनएसडी जाने का सोचा नहीं था। तो मेरे डायरेक्टर ने वो मेरा फॉर्म भरा और बोला, तो मेरा भी फर्स्ट लाइन यही था कि बहुत मुश्किल है, कोई हलवा नहीं है कि एक बार में मिल जाएगा। तो ये चीज हर बार आती रही पर मुझे ऐसा फील हुआ क्राइटेरिया हर बार उनका क्या है किसी को पता नहीं चलता, मुझे भी नहीं पता चला। पर मैं ये बता सकती हूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन जब हुआ था तो मैंने सब ऑब्जर्व किया था, तो मेरे ऑब्जर्वेशन के बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल के कोर्स में किसी बच्चे को जब आप लेते हैं तो एटलीस्ट वो जिस सब्जेक्ट में आना चाहता है उस सब्जेक्ट का उसको कितना इंटरेस्ट के साथ नॉलेज है, उसके बाद अगर तुम्हें एडमिशन मिलेगा तो तुम कितने फास्ट लर्नर हो, मतलब क्योंकि वहां पे तुम सीखते सीखते परफॉर्मेंसेस, मतलब तुम 8 परफॉर्मेंस तैयार करते हो, प्रोडक्शन में काम करते हो, 24/7 तुम थिएटर के बारे में सोचते हो, तो वहां एक्टिव बॉडीज ही चाहिए जो कंटिन्यू क्रिएटिवली कुछ कुछ काम करती रहे। तो मुझे लगता है कि किसी चीज को करने का मन होना अलग बात है, कभी कभी कुछ लोग शौक से करते हैं पर उनका इंटरेस्ट कब गायब हो जाता है, पर वो 5 दिन की वर्कशॉप में मुझे लगता है वो यही देखते हैं कि कौन किस मतलब टास्क से हटके भी कौन कैसा है। लाइक मेस में भी अगर आप हो तो आपका नॉर्मल लोगों से बात करने का तरीका क्या है, तुम किसी से भी इंटरेक्ट करते हो तो वो इंटरेक्शन क्या है, एज ह्यूमन बीइंग तुम क्या हो, तुम्हारा किसी चीज को देखने का पर्सपेक्टिव क्या है और तुम्हारा उस चीज पे टेक क्या है। तो मुझे लगता है ओवरऑल सब चीजें मिला के वो 26 लोगों का मुझे लगता है बेहतर सभी है जो लास्ट तक भी आते हैं, वो जो फर्स्ट डे फॉर्म भरे होंगे जिन 5,000 लोगों ने फॉर्म भरा होगा वो भी सब अपने आप में टैलेंटेड है, जो सिलेक्ट हुए वो भी टैलेंटेड है, बस सीट्स कम है।